नमस्कार। न्यूज चक्र में आज हम आपको बताने वाले हैं राम मंदिर के निर्माण के बाद मंदिर के उद्घाटन की तारीख। जी हां, कब खुलेगा मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए। मुद्दा नंबर दो, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो पेचीदा से पेचीदा मुद्दे का समाधान हो सकता है। राम मंदिर पर फैसला आ गया, इसलिए आज हम आपको बताने वाले हैं और सवाल भी पूछने वाले हैं कि जिन लोगों ने बाबरी को गिराया था उन्हें कब सजा मिलने वाली है। और साथ ही बात टीएन सेशन की, वो हमारे बीच नहीं रहे मगर आज जश्न है उनकी बहादुरी का। टीएन सेशन हमें याद दिलाते हैं उस जमाने की जब चुनाव आयोग की रीढ़ हुआ करती थी। मगर शुरुआत हम करना चाहेंगे राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख के साथ। तो पंडित अभिसार शर्मा आज एक भविष्यवाणी करने जा रहे हैं, और भविष्यवाणी क्या है दोस्तों, कि दरअसल राम मंदिर के निर्माण के बाद उसका उद्घाटन कब होगा श्रद्धालुओं के लिए। तो ये है मेरी भविष्यवाणी, उसके लिए आपको गौर करना पड़ेगा इस शख्स पर। इसका नाम है चंद्रकांत सोमपुरे। ये अहमदाबाद के रहने वाले हैं और दरअसल राम मंदिर के आर्किटेक्ट हैं। इन्होंने तीन बातें कही हैं। सबसे पहली बात इन्होंने कही है कि राम मंदिर में 40 से 50 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। दूसरी बात इन्होंने यह कही है कि राम मंदिर का 40% काम पूरा हो चुका है। और तीसरी और अहम बात कि राम मंदिर निर्माण में 2.5 साल लगेंगे। तो अगर हम इस तीसरी बात पर गौर करें, 2.5 साल, 2.5 साल के बाद क्या है, 2022, और 2022 को क्या होने वाला है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव। यानी कि भारतीय जनता पार्टी, जिसकी सियासी सोच बहुत आगे है, ठीक उत्तर प्रदेश चुनावों से पहले मंदिर का उद्घाटन करना चाहेगी, क्योंकि जैसे ही मंदिर का उद्घाटन होगा सियासी माहौल पूरी तरह से बदल जाएगा। मगर मुझे लगता है कि 2022 नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो है मंदिर का उद्घाटन करेगी 2024 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले। क्यों? क्योंकि जैसे ही मंदिर का उद्घाटन होगा तमाम न्यूज चैनल्स में राम छा जाएंगे। तमाम न्यूज चैनल्स जो है वो धर्म संसद बन जाएंगे। न्यूज चैनल्स पर सिर्फ ये दो चेहरे दिखाई देंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, और हां भगवान राम भी दिखाई दे देंगे। तो ऐसे में आप मुझे बताइए, जब ये तीन चेहरे लगातार न्यूज चैनल्स में होंगे तो हमारा विपक्ष करेगा तो करेगा क्या। दरअसल सच माना जाए तो मुझे बहुत दया आती है अपने विपक्ष पे। इसमें दो राय नहीं है कि हमारा विपक्ष दिशाहीन है, मगर वो बेचारा करे भी तो करे क्या, क्योंकि आप देख रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग राम मंदिर को लेकर कितनी बेहतरीन है। और आज पंडित अभिसार शर्मा एक और भविष्यवाणी करने जा रहे हैं, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरी यह भविष्यवाणी गलत साबित हो। मैं चाहूंगा कि बीजेपी मेरी इस भविष्यवाणी को गलत साबित करे। यह तस्वीर देख रहे हैं आप, अजीत डोभाल मुलाकात कर रहे हैं अलग अलग धर्म के ठेकेदारों, उनके नुमाइंदों के साथ। इसका मकसद क्या था, यह अपील करने के लिए कि भाईचारा बने रहे, हम संयम बरतें, गैर जिम्मेदाराना बयान ना दें। मगर क्या आप जानते हैं कि पहला पत्थर कौन फेंकने वाला है, पहला पत्थर से मतलब पहला गैर जिम्मेदाराना बयान कौन देने वाला है। मेरा यह मानना है दोस्तों कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता राम मंदिर पर उग्र बयान देते नजर आएंगे, और ये उग्र बयान लगातार बढ़ते जाएंगे, और 2024 से पहले ये बयान और भी परवान चढ़ेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, आपको याद होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर को लेकर सुनवाई जनवरी 2019 तक स्थगित कर दी थी, तब इन चेहरों ने जो कि भारतीय जनता पार्टी में मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं, निहायत ही भड़काऊ बयान दिए थे। गिरिराज सिंह, क्या कहा था इन्होंने, हिंदुओं के सब्र का इम्तिहान ना ले सुप्रीम कोर्ट। केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ यानी कि डेप्यूटी सीएम और सीएम उत्तर प्रदेश, दोनों ने कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को चेतावनी दी थी। फिर इन पर गौर कीजिए, जी हां राम माधव नाम है इनका, ये हमें याद दिला रहे थे कि 1992 के वक्त क्या हुआ था।
यानी कि 1992 जब बाबरी गिराया गया था या बाबरी मस्जिद गिराया गया था या विवादित ढांचा गिराया गया था, जो भी आप उसे कहना चाहें, जी हां, इस तरह से धमकाया था। और बात यहां नहीं रुकी थी, जब शबरीमला पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तब माननीय अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट को चेतावनी दे डाली थी या नसीहत दे डाली थी कि धर्म के मामलों में हस्तक्षेप ना करें। दरअसल दिक्कत क्या है, जब राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तब भारतीय जनता पार्टी उसकी बहुत वाहवाही करती है, या ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है बहुत वाहवाही करती है, मगर जैसे ही किसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट कुछ असहज करने वाले मुद्दों को छू लेती है तो अचानक बीजेपी के नेता उग्र हो जाते हैं। इसलिए तो मैंने कहा ना, पहला पत्थर इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता फेंकेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी यह भविष्यवाणी गलत साबित हो। और हम बात करना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट की। दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे, अगर किसी मुद्दे पर वो अड़ जाए तो चाहे जितना भी पेचीदा मुद्दा हो उसका समाधान निकाल लेता है। मसलन राम मंदिर, इस देश के इतिहास में राम मंदिर से ज्यादा पेचीदा मुद्दा कोई नहीं हो सकता। तो आज हमारा एक सवाल और एक अपील भी, जब राम मंदिर जैसे मुद्दे पर इतनी जल्द समाधान आ गया तो अब क्या वक्त नहीं आ गया है कि जिन लोगों ने बाबरी को गिराया था उन गुनाहगारों को भी सजा दी जाए। आज जो मैं आपके सामने मुद्दे पेश करने वाला हूं ना दोस्तों, वो सिर्फ अदालती तथ्यों पर आधारित है। आपको गौर करना पड़ेगा इस तारीख पर, 17 अप्रैल 2017। इसमें देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक फैसला सुनाया था जो आप में से कई लोग या तो भूल चुके हैं या जिन्हें मालूम नहीं है। फैसला क्या था कि 2 साल के अंदर लखनऊ की सेशंस कोर्ट बाबरी विध्वंस मामले की सुनवाई करे और उस पर अपना फैसला सुनाए, यानी कि जिन लोगों ने बाबरी को गिराया था उसे कटघरे में रखा जाए और फैसला सुनाया जाए। और अदालत ने अपने आदेश में क्या कहा था, मैं आपको बाकायदा उसे कोट करके सुनाना चाहूंगा। द कोर्ट ऑफ सेशंस विल आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग्स फ्रॉम रायबरेली टू लखनऊ एंड फ्रेमिंग ऑफ एडिशनल चार्जेस विद इन 4 वीक्स टेक अप ऑल द मैटर्स ऑन अ डे टू डे बेसिस फ्रॉम द स्टेज at which the trial proceedings both at Raebareli and at Lucknow are continuing until conclusion of trial. जिसका अर्थ यह है कि पहले इस मामले को रायबरेली से लखनऊ स्थानांतरित किया जाए और फिर इस मामले की डे टू डे हियरिंग हो, यानी कि रोज इस पर सुनवाई हो। मुद्दा नंबर 2 क्या कहा था, there will be no transfer of judge conducting the trial until the entire trial concludes, यानी कि जो भी जजेस इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं उनका ट्रांसफर नहीं होगा। आप जानते हैं कई संवेदनशील मामलों में जजेस का ट्रांसफर हुआ है। तीसरी बात, द केस शैल नॉट बी adjourned ऑन एनी ग्राउंड एक्सेप्ट when द sessions कोर्ट find इट impossible टू कैरी ऑन द ट्रायल फॉर दैट पर्टिकुलर डेट, यानी कि मामले को कभी भी स्थगित ना किया जाए। आदेश नंबर 4, the CBI shall ensure that on every date fixed for evidence, some prosecution witness must remain present so that for want of witnesses the matter be not adjourned. Yani ki CBI ye tay kare ki jo abhiyojan paksh ke gawah hain wo hamesha maujood rahein taki mamle ko sthagit na kiya jaye. Aur aakhri baat, the sessions court will complete the trial and deliver the judgment within a period of 2 years. 2 saal ke andar apna faisla sunaye. और क्या आप जानते हैं कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस पीसी घोष और आरएफ नारिमन की अदालत ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था 25 साल पहले एक ऐसा अपराध हुआ था जिसने देश के धर्म निरपेक्ष चरित्र को हिलाकर रख दिया था। वो बात कर रहे थे बाबरी या बाबरी मस्जिद या विवादित ढांचे को गिराए जाने की। और आपको याद होगा कि राम मंदिर पर फैसला सुनाते हुए 6 जजेस की खंडपीठ ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था बाबरी मस्जिद का गिराया जाना कानून के खिलाफ था, यानी कि खुद सुप्रीम कोर्ट बाबरी के गिराए जाने को धर्मनिरपेक्षता के चरित्र के खिलाफ बताती है। और धर्मनिरपेक्षता, जैसे कि आप जानते हैं, संविधान का हिस्सा है, यानी कि बाबरी का गिराया जाना संविधान के खिलाफ था। अब कुछ और तारीखों पर हम गौर करते हैं। 2017 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मायनों को आपको समझने के लिए आपको 2 अदालती फैसलों पर गौर करना पड़ेगा। पहला,
2001 का सीबीआई कोर्ट का फैसला और उसके बाद 2010 के इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला। ये दो अदालत ने क्या फैसला सुनाया था? सीबीआई की अदालत ने लालकृष्ण आडवाणी और 20 अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोपों को खत्म कर दिया था, रद्द कर दिया था, और वो भी तकनीकी आधार पर। इन सभी को केस नंबर 198 में नामजद किया गया था। मगर क्या आप जानते हैं 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने और क्या किया था? 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में निचली अदालत के सभी फैसलों को पलट दिया था, यानी कि 2001 की सीबीआई कोर्ट और 2010 के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरह से आपराधिक साजिश के आरोप खत्म कर दिए थे लालकृष्ण आडवाणी और 20 अन्य के खिलाफ, उसे सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में पलट दिया। अब इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 120 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने जिन लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। शख्सियत नंबर एक, लालकृष्ण आडवाणी। शख्सियत नंबर दो, विनय कटियार। शख्सियत नंबर तीन, उमा भारती, साध्वी रितंभरा, मुरली मनोहर जोशी, विष्णुहरि डालमिया और कल्याण सिंह। हम आपको यह भी बता दें कि क्योंकि उस वक्त कल्याण सिंह राज्यपाल थे लिहाजा उन्हें इम्यूनिटी मिल गई थी, मगर अदालत ने कहा था कि जैसे ही वो राज्यपाल पद से हटेंगे आप उनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम कीजिए। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सेशंस कोर्ट ने मई 2017 में इन सभी के खिलाफ आरोप तय किए। क्या आप जानते हैं कि लालकृष्ण आडवाणी और ये तमाम लोग लखनऊ की सेशंस कोर्ट में गए कि इन आरोपों को रद्द किया जाए, मगर उनकी अपील को खारिज कर दिया गया। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि लिब्रहान आयोग ने इस मामले में क्या कहा था। लिब्रहान आयोग ने कहा था, विनय कटियार, चंपत राय जैन, आचार्य गिरिराज किशोर, महंत अवैधनाथ और डीबी रॉय ने विवादित ढांचे को गिराए जाने की साजिश रचनी शुरू कर दी थी और वो भी गुप्त तरीके से। इसके अंतर्गत विवादित स्थल पर अचानक हमला, पत्रकारों पर हमला और ढांचे के छेदों में रस्सी डालकर उसे खींचकर गिराए जाने का प्लान था। तो हमने आपको क्या बताया कि अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा लखनऊ की सेशंस कोर्ट को कि आप 2 साल के अंदर इस मामले का समाधान करें, फैसला सुनाएं। 2 साल यानी कि अप्रैल 2019, और आज क्या है, नवंबर 2019, यानी कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, यानी कि अब हम 7वें महीने में प्रवेश कर चुके हैं। अब दोस्तों इस तारीख पर गौर कीजिए, 19 जुलाई 2019। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट एक और आदेश सुनाता है और कहता है कि हम लखनऊ सेशंस कोर्ट के जज के कार्यकाल को 9 महीने और बढ़ा रहे हैं, और अगर हम जुलाई से अब तक की बात करें तो 3 महीने गुजर चुके हैं। कितने बचे? 6 महीने। मेरा सवाल यह कि क्या 6 महीने के अंदर लखनऊ की सेशंस कोर्ट इस मुद्दे पर अपना फैसला सुना पाएगी? आज अब यह मुद्दा आपके सामने क्यों रख रहे हैं? क्योंकि जब बाबरी गिराया गया था उसके बाद जो दंगे हुए थे इस देश में, जिस तरह से मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे और फिर जो दंगे लगातार हुए थे उसमें कम से कम 2500 लोग मारे गए थे ऑफिशियली। अनऑफिशियल आंकड़ों का तो हमें पता भी नहीं। तो एक तरह से कहा जाए तो आज की तारीख में अगर हम कहते हैं कि बाबरी मामले में इंसाफ हो तो आप सिर्फ एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं, आप एक देशभक्त का कर्तव्य भी निभा रहे हैं। क्योंकि हम चाहेंगे कि देश के अंदर जिन लोगों ने जो गुनाह किया है उसकी उन्हें सजा मिले। बताइए, न्यूज चक्र में अब बारी है इस शख्स की बात करने की। नाम है टीएन सेशन। 86 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। हम जानते हैं कि जब एक व्यक्ति का निधन होता है तो वो दुख की बात होती है, मगर मैं इसे जश्न का मौका मानता हूं। जश्न टीएन सेशन की बहादुरी की। हम क्यों कह रहे हैं ऐसा दोस्तों? क्योंकि टीएन सेशन ने हमें याद दिलाया था कि चुनाव आयोग में रीढ़ हो सकती है और टीएन सेशन मौजूदा चुनाव आयोग के लिए सबक है। जी हां, मौजूदा चुनाव आयोग जिनके तीनों आयुक्तों में रीढ़ नहीं है और जो एकमात्र ने रीढ़ दिखाने की कोशिश की, यानी कि अशोक लवासा, उसकी क्या हालत कर दी आप भी जानते हैं और मैं थोड़ी देर में आपको बताने भी वाला हूं। जी हां, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एस वाई कुरैशी, जो कि पूर्व
मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने आज इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा है टीएन सेशन को याद करते हुए, और वो बताते हैं कि जब टीएन सेशन मुख्य चुनाव आयुक्त थे तब उन्होंने किस तरह का क्रांतिकारी परिवर्तन लाए थे चुनावों को लेकर। जी हां, जब चुनाव आयुक्त बने थे टीएन सेशन, उससे पहले जबरदस्त धांधली होती थी, मतपेटियां ही नहीं बूथ के बूथ लुट जाते थे। जी हां, और उस दौरान उन्होंने दो लोगों से मुकाबला लिया था, पहला लालू प्रसाद यादव और दूसरा जे जयललिता, दोनों अपने अपने क्षेत्रों के दिग्गज। और एस वाई कुरैशी हमें याद दिलाते हैं कि टीएन सेशन ने उन्हें बिहार के दानापुर भेजा था जहां से लालू प्रसाद यादव चुनाव लड़ रहे थे। तब एस वाई कुरैशी ने टीएन सेशन से पूछा था, यहां कोई डर की बात तो नहीं है? तो टीएन सेशन ने हंसते हुए कहा था, नहीं कोई डर की बात नहीं है, ज्यादा से ज्यादा कोई तुम पर बम मार देगा या ज्यादा से ज्यादा कोई तुम्हारे पेट में गोली मार देगा। एस वाई कुरैशी याद करते हैं कि किसी ने मुझे गोली तो नहीं मारी, हां मेरी कार के पास बॉम्ब जरूर फटा था। जानते हैं टीएन सेशन की क्या खास बात थी, उन्होंने हमारे राजनेताओं के मन में ईश्वर का खौफ पैदा किया था। वो राजनेता जो ये सोचते थे कि वो कुछ भी कर सकते हैं, मगर मौजूदा चुनाव आयोग इसकी हालत बद से बदतर हो गई है। मैं आपके सामने चार या पांच चीजें रखने वाला हूं जो इस चुनाव आयोग के अंतर्गत हुई है, जो अपने आप में बहुत शर्मनाक बात है दोस्तों। मुद्दा नंबर एक, मतदाताओं के नाम वोटर्स लिस्ट से गायब। बड़ी तादाद में शिकायतें सामने उभर कर आई थी, किस तरह से लोकसभा चुनावों से पहले कई लोगों के नाम गायब थे। मुद्दा नंबर दो, मोदी और अमित शाह को क्लीन चिट, उनके चुनावी भाषणों के लिए क्लीन चिट। आपको याद होगा पुलवामा का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोटर्स से अपील की थी कि क्या आपका वोट मुझे पुलवामा पर मिल सकता है, जो कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के खिलाफ था। अमित शाह ने तो यह तक कह दिया था कि राहुल गांधी जहां से चुनाव लड़ रहे हैं यानी कि वायनाड, उसकी तुलना उन्होंने पाकिस्तान से कर डाली थी। इसका विरोध किसी और ने नहीं बल्कि इस शख्स अशोक लवासा ने किया था, और अशोक लवासा का अब क्या हश्र कर दिया गया है आप भी जानते हैं। उनकी पत्नी, उनकी बहन और उनके बेटे, तीनों के खिलाफ इनकम टैक्स के नोटिसेस, इस तरह से उन्हें परेशान किया जा रहा है। यही नहीं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की सहूलियत के हिसाब से चुनावों की तारीखें तय होती हैं। न सिर्फ चुनावों की तारीखें बल्कि एक राज्य को कितने चरणों में बांटा जाए यह भी भारतीय जनता पार्टी तय करती है। मसलन विधानसभा में तो आपने मध्य प्रदेश के चुनाव एक चरण में करा दिए, मगर लोकसभा में आपने कई चरणों में मध्य प्रदेश के चुनाव कराए। गुजरात की चुनावों की तारीखों का ऐलान आप तब करते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तमाम रैलियां खत्म कर लें। यही बात आपको याद होगा बंगाल में भी हुआ था। बंगाल में क्या हुआ था, टकराव हुआ था जैसे ही अमित शाह ने कोलकाता में रैली की थी। उसके बाद 19 घंटे पहले चुनाव आयोग ने चुनावी कैंपेनिंग पर रोक लगा दी थी, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आराम से अपनी चुनावी सभाएं पूरी की। कल्पना कीजिए कि अगर टीएन सेशन इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते तो क्या बीजेपी ऐसा कर पाती। ऐसे थे हमारे टीएन सेशन। तो न्यूज चक्र में बस इतना ही। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, हमें लाइक करें, शेयर करें और न्यूज क्लिक को सब्सक्राइब करें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।